हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है, जिससे भी आप कनेक्टेड हो गए, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके, आज हम ये देखेंगे। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड सभी देख सकते हैं। ओके, तो जितनी रीडिंग आपसे मैच होगी आपने रीडिंग को उतना ही लेना है, बाकी को आपको लेट गो करना है। कोशिश करूँगी शॉर्ट रीडिंग करूँ, लंबी सी रीडिंग ना हो। चले, फोकस कीजिए अपने अपने पार्टनर पे, अपने अपने पर्सन्स पे, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो। देखते हैं आपका कनेक्शन जो है वो हमें किस तरफ गाइड करता है। तो पहले ही कार्ड हमारे पास निकल के आया है, नंबर 20 जजमेंट, मेजर काना का कार्ड है। नंबर 20 कुछ खास हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। ओके, या नंबर 2 कुछ खास हो सकता है, मंथ ऑफ फेब्रुअरी कुछ खास हो सकता है आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड। ओके, एंड सेकंड कार्ड है मेरे पास 7 of Wands। लियो सैजेरिस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, नंबर 7 भी कुछ रिलेट कर सकता है आपसे। 5 of Pentacles, 5 of Pentacles की मैं मोस्ट ऑफ टाइम देख रही हूँ कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, शायद डिस्कनेक्ट हैं अपने पार्टनर से, या किसी ना किसी चीज़ का आपको कोई दुख है, या आपको कुछ कोई फेयर है। ऐसी एनर्जी मेरे पास मोस्ट ऑफ टाइम मेरी रीडिंग में आ रही है। अगर कुछ ऐसा है तो डू कमेंट्स, मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताओ। मंथ ऑफ मई कुछ खास हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर से रिलेट कर सकता है। नंबर 5 है, नंबर 7 है, पेंटिकल्स है, टॉरस विगो कैप्रिकॉन की एनर्जी हो सकती है आप या आपके पार्टनर, एस ऑफ पेंटिकल है। देखते हैं फ्यूचर क्या रहने वाला है। 8 of Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल, वेरी यंग एनर्जी लगता है यहाँ। आप अपने पार्टनर से एज में काफ़ी छोटे हैं या आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पेज की एनर्जी है तो यंग एनर्जी। ओके, आप दोनों में से कोई एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। 4 of Wands, मैरिज कार्ड है, सेलिब्रेशन है। ओके, हैव वेट प्लीज। ओके, तो मैं बोल रही थी मैरिज का कार्ड, 4 of Wands। ओके, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड हम लेंगे, देन हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 4 of Pentacles। ओके, टॉरस वीगो कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है हमारे पास। ओके, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है हमारे पास, दी मैजिशियंस। ओके, तो लग रहा है रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया जा रहा है, या आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप को, या आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है। होप कि आपको कार्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हों। ओके, एज़ यू नो कार्ड जो हैं हमें पॉसिबिलिटीज़ ही बताते हैं। ओके, हो सकता है आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइएगा। मंथ ऑफ अप्रैल कुछ खास हो सकता है आपसे रिलेट कर सकता है, नंबर 1 है। ओके, मंथ ऑफ जनवरी भी कुछ खास हो सकता है आपसे आपके पार्टनर से रिलेट कर सकता है। तो हमें देखना है आपका फ्यूचर, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके, फोकस हमारा इसी चीज़ पर रहेगा। तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं शायद आप आइसोलेशन में हैं, या आप अपने आपका पर्सन आइसोलेशन में है, दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो, वाइस वर्सा हो सकती है रीडिंग। ओके, 10 of Pentacles। ओके, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे कोई मैरिड पर्सन जो है इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, क्योंकि मैरिज के मेरे पास 2 कार्ड हैं यहाँ पे, जो इंडिकेट करते हैं कि शायद आपका पार्टनर जो है उसकी शादी हो रही है, या आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। ओके, ऐसी एनर्जी भी है मेरे पास, अगर आपको ओपन माइंडेड जो है वो रीडिंग को लेना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में अभी हाल फिलहाल में कम्युनिकेशन लेस कम्युनिकेशन है,
बातचीत बंद नहीं है, लेस कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, बट आपके पार्टनर की अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम पर्सन से डील कर रहे हो, ओके। अगर तो ये कोई मैरिड पर्सन देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर है किसी के साथ, आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से शायद आप खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो, शायद आप इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो अपनी एनर्जी से, ओके, और पार्टनर की एनर्जी से भी हो सकता है। शायद आप थोड़े से खिंचे खिंचे से हो, शायद आपको मालूम है कि आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। लेकिन मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है ना, वो खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में, अगर ये थर्ड पार्टी में है, ओके। कहीं ना कहीं शायद सेवन ऑफ वैंस मुझे इंडिकेट करता है कि शायद आपके आप दोनों ने शायद एक समय था या एक वक्त था कि आप दोनों ने एक दूसरे को शायद ब्लॉक किया हुआ था या कम्युनिकेशन बंद की थी। ये नहीं कि आप लोगों के कोई लड़ाई झगड़े थे, बस इसको बोलते हैं एक लेस कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान में थी, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ओके। सेवन ऑफ वैंस, शायद ये पर्सन आपके साथ इतना खुल के बातचीत नहीं कर रहे थे या आपको अपनी तरफ आने नहीं दे रहे थे, या शायद अगर आप इनसे आर्ग्यू कर रहे थे या किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे थे तो ये पर्सन शायद बहुत जिसको बोलते हैं खामोश एनर्जी में, साइलेंट ट्रीटमेंट लाइक ऐसा कुछ था, ओके। ये पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे थे आपसे, कनेक्शन में भरना चाह रहे थे, कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे लेकिन ला नहीं पा रहे थे, ओके। बट नाउ मैं देख पा रही हूँ, ये थोड़ी सी एनर्जी मैंने आपको पास्ट की थोड़ी सी बताई है, शायद आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन हो, शायद आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। अगर ये पर्सन मैरिड है और थर्ड पार्टी मैं गया है तो आपकी मैनिफेस्टेशन इस पर्सन को वापस रिकनेक्ट कर रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी टेन ऑफ पेंटिकल है, ओके। आपकी विश भी ग्रांटेड है, जिस चीज़ की शायद आप विश कर रहे थे, तपन्ना थी, ख्वाहिश थी आपको, वो आपकी पूरी होती हुई मैं देख पा रही हूँ, ओके। अगर ये थर्ड पार्टी में है पर्सन तो थर्ड पार्टी को ये पर्सन छोड़ना जा रहे हैं, आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ ब्राइट है, ओके। हैप्पी फैमिली है, हो सकता है आप मैरिड हो तो बच्चे ही इन्वॉल्व में हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। फोर ऑफ वैन भी मुझे इसी तरफ इंडिकेट करता है कि मैरिज, ये पर्सन शायद आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, शायद ये आपसे बच्चे चाहते हैं, ओके। शायद ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है मैरिज आपसे, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैरिड है तो थर्ड पार्टी को छोड़ता हुआ है मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, क्योंकि राइट नाउ स्टार के नीचे ही मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है जो हमें इंडिकेट थर्ड पार्टी का ही करता है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना चाह रहा है। जहाँ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील हो रहा था ना, इस पर्सन ने अगर अपने आप को रोका हुआ था बहुत सारी चीज़ों से और आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा था, ये पर्सन अब उस एनर्जी से निकल रहा है, ओके। आप लोगों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बिकॉज मेरे पास फोर ऑफ वैन है, टेन ऑफ पेंटिकल्स है, मैजिशियंस है, काफ़ी मेजर अर्काना है आपकी रीडिंग में। फोर ऑफ पेंटिकल कुछ ना कुछ ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हो रहे हैं आपकी, आपसे रिलेटेड, आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। शायद इस पर्सन को अब एहसास हुआ है आपके प्यार का, ओके। पेज ऑफ वैन है, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहता है, आपको ऑफर तो करना चाह रहा है, लेकिन ये एक यंग एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे या तो एक डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यस, मुझे लग रहा है कि विद इन अ फोर मंथ्स में अगर आप लोगों का कुछ सेपरेशन है तो हो सकता है ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करें। अगर आप लोगों की मैरिज में कुछ इश्यूज थे तो विद इन अ फोर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मैरिज की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हुई मैं देख रही हूँ, और आपका फ्यूचर मैं बहुत ब्राइट देख रही हूँ इस पर्सन के साथ, ओके। आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ वाला मुझे नज़र आ रहा है, ओके। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं रीडिंग को, ताकि हम देखें आपके फ्यूचर और कैसा रह सकता है इस पर्सन के साथ, अगर
कोई आपको इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं रीडिंग को, इसकी डेप्थ में देखते हैं। जजमेंट तो आपको मिलेगा, मुझे लग रहा है कि आपने मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को हो सकता है यूज़ किया, हो सकता है आप चैंट भी करते रहे हो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, या आपने हीलिंग शायद करवाई है कहीं से, ऐसा भी है। 444 हो सकता है आपको बहुत दिखता हो, बट विद इन अ 4 मंथ्स में आप लोगों की रिलेशनशिप में मैं बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देख रही हूँ। ओके, 4 वीक्स भी हो सकते हैं, 4 डेज भी हो सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा उतनी ही जल्दी इस पर्सन की हीलिंग होगी। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है इन्हें आप पे। 2 कार्ड आ गए हमारे पास, एक अथॉरिटी तो हो सकता है आपके पर्सन को, रिसेंटली ही इन्हें कुछ जॉब में कुछ बोलते हैं जॉब में लाइक इनकी कुछ प्रमोशन हुई है, या इनके बॉस इनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, या इन्हें कुछ इन्होंने फाइनेंशियली गेन इन्हें मिल सकता है। ओके, अगेन नंबर 4 है। ओके, 444 आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखता है, मेमोरीज ऑफ लव, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, शायद पास्ट कनेक्शन आप लोगों का फुल ऑफ लव था, शायद थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों में थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो सकती है, बट विद इन अ 4 डेज, विद इन अ 4 वीक्स, विद आने वाले 4 महीनों में आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। वाओ, ट्रम्फ एंड सक्सेस, तो आपके रिलेशनशिप में सक्सेस है। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, आपकी जो तमाम ख्वाहिश थी इसे कनेक्ट करना, इनसे कमिटमेंट चाहना, इनसे फिकलिटी, लाइक अगर आप के बच्चे नहीं हैं तो अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो आप लाइक आपकी जिस तरह की भी ख्वाहिश आई है, जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन है, आपकी विश ग्रांटेड होगी। ओके, इस डेक से भी हमें द स्टार की एनर्जी मिली थी और फुलफिलमेंट ऑफ विशेज। नंबर 9, मंथ ऑफ सितंबर भी कुछ खास हो सकता है, आपसे रिलेट कर सकता है, तो जितनी रीडिंग मैच करे आपको रीडिंग को उतना ही लेना है, बाकी को लेट गो करना है। तो कार्ड की एनर्जी मुझे जो नज़र आई है अभी मैंने आपके साथ तो वो शेयर किया है। एक क्वेश्चन था मेरे पास कमेंट सेक्शन में, वो अपनी मैरिज से रिलेटेड कुछ पूछ रही थी कि इनकी मैरिज की पॉसिबिलिटी क्या है, उसको ज्वाइन करते हैं साथ। अमन ज्योत ज्योति हैं या ज्योत हैं, अमन ज्योत। ओके, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/6/1998। ओके, और इनका है कि शादी कब होगी, लव होगी कि अरेंज होगी, इनका क्वेश्चन को हम साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, देखते हैं इनकी मैरिज की पॉसिबिलिटी कब है, अरेंज है, लव है, क्या एनर्जी निकल के आती है मेरे पास। रीडिंग आपसे मैच हो तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताया करें, और जिसको भी मुझसे रीडिंग लेनी है वो लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड होती है कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। ओके, दी फूल की एनर्जी है, बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि आपकी एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। ओके, एंड किंग ऑफ कप्स, तो जिसके साथ भी आपका कनेक्शन होगा भरपूर रहने वाला है, खूबसूरत कनेक्शन होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी। ओके, एरी साइन हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में, या एरी साइन के हो सकते हैं, या वाटर साइन हो सकता है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, या स्ट्रॉन्ग वाटर साइन के वाइब्स हैं। ओके, कार्ड भी हमें इसी तरफ इंडिकेटेड हैं, तो आप इमोशंस हैं, प्यार है, तो मुझे मोस्ट ऑफ द ऐसा कनेक्शन लग रहा है कि जैसे आपकी इस पर्सन के साथ जो मैरिज होगी वो एक लव मैरिज होगी। ओके, और हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी इस पर्सन के साथ रहने वाली है। वाओ, देखो ये कार्ड खुद से ही जंप आउट हो गया, द चैरियट, तो आपको मूवमेंट लेना है। ओके, आपको आगे बढ़ना है। किंग ऑफ वैंस, तो थोड़ा सा ये पर्सन थोड़ा सा
इगोइस्ट हो सकता है, थोड़ा सा ये पर्सन ब्लंट हो सकता है, थोड़ा सा ये पर्सन स्टर्बन एनर्जी में भी हो सकता है, बट केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी है। इन द मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए बेस्ट हो सकता है मैरिज के लिए, या आने वाले 7 हफ्तों में भी हो सकता है ऐसी एनर्जी से आप मिलो। हो सकता है लियो साइन के भी हो सकते हैं ये पर्सन, या स्ट्रॉन्ग लियो हो सकता है। कैंसर, मेरे पास अगेन चैरियट का कार्ड जो है वो कैंसर को इंडिकेट कर रहा है, तो कैंसर पर्सन भी हो सकते हैं ये, तो विद इन 7 मंथ्स में हो सकता है मैरिज की मुझे पॉसिबिलिटी आपके लिए नज़र आ रही है। अभी तक के लिए इतना ही। जितने भी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।